हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद अंडी। आज बना रही हूँ नवरात्रि के लिए बहुत ही टेस्टी इजी स्नैक। तो चलिए, इसे बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज पसंद आए तो मेरे चैनल कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन पे क्लिक करें। बेल आइकन पे क्लिक करने से आप सभी को मेरी न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगी। व्रत का स्नैक बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब ऐड करना है 1 हरी मिर्च, जिसे मैंने कट कर लिया है, और ग्रेट किया हुआ अदरक, 1/4 टीस्पून जीरा, 7 से 8 कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, सेंधा नमक डालेंगे हम, यानी फास्ट का नमक स्वाद के अनुसार। इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं समा के चावल का आटा। आप समा के चावल घर लेके आ सकते हैं और इसे मिक्सी जार में पीस सकते हैं और ये एकदम आटे की तरह हो जाएगा। तो ये मैंने लिए हैं 4 बड़े चम्मच, इसमें हम डालेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सर बनके तैयार है, तो चले अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम राउंड शेप देंगे। इस तरह से सभी को बना देंगे। राउंड शेप दे के वड़ा तैयार हो गया है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे तेल को गरम कर लिया है लो टू मीडियम फ्लेम पे और अब हम इसमें डालेंगे इस वड़ा को जो हमने तैयार किया है। पहले हम एक ही वड़ा डाल के इसे फ्राई करेंगे। अगर ये फटेगा नहीं तो हम और डालेंगे, अगर ये फट रहा है तो हमें इसमें और समा के चावल का आटा मिला के इसे फिर से राउंड शेप दे के इसे हमें तलना है। बड़ा हमारा नहीं फट रहा है तो हम इसमें और डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। बड़ा हमारा अब गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तरह से और बड़ा हम फ्राई कर लेंगे। व्रत का स्नैक बनके तैयार है, आप देख रहे हैं, बड़ा हमारा बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। तो ज़रूर ट्राई करें इसे और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद अंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।